कल सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा दिन हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। चेन हंगर स्ट्राइक रहेगा, इसमें कोर्ट के अंदर ये हंगर स्ट्राइक होगा। जो मझगांव में यहाँ से ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसके विरोध में ये हंगर स्ट्राइक है। उसमें हमारी बार की तरफ से हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है, एनोनिमसली हमने रिजोल्यूशन पारित किया है कि यहाँ से 8, 10, 15 जो भी कोर्ट है वो ट्रांसफर ना किया जाए। सभी अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है, इसके जो भी फ्लोज है, प्रॉब्लम है, वो भी बताया हुआ है। में हमने आज ही डिक्लेयर किया है कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आज सम्माननीय प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को हमने एक लेटर भी दिया है इवनिंग में। साई ऑब्जेक्शन, कॉन्टेक्ट लेंस एंड कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग, आई केयर फॉर ऑल टाइप्स, कॉल नाउ, सेल कॉलोनी रोड, चेंबूर, मुंबई। नमस्कार, आप सभी पत्रकारों को मेरा यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए धन्यवाद कहूंगा। मेरे साथ बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी आसिफ नकवी जी है, मैं एडवोकेट रवि जाधव, सीनियर एडवोकेट होलमांगी सर, सुनंदा नंदेवार, त्रिपाठी जी, लाड और अन्य एडवोकेट्स यहाँ पे उपस्थित है, और तरल जी। हम यहाँ पे एक आपको बताना चाहते इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि यहाँ से बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट मेन ब्रांच कोर्ट से मझगांव कोर्ट के यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ कुछ कोर्ट ट्रांसफर करने की प्रोसेस कई महीनों से चल रही थी। उसमें हमारी बार की तरफ से हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है, एनोनिमसली हमने रिजोल्यूशन पारित किया है कि यहाँ से 8, 10, 15 जो भी कोर्ट है वो ट्रांसफर ना किया जाए। और इसके खिलाफ में आज जनरल बॉडी मीटिंग थी, जनरल बॉडी मीटिंग में भी सभी अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है, इसके जो भी फ्लोज है, प्रॉब्लम है, वो भी बताया हुआ है। और इसके खिलाफ में हमने आज ही डिक्लेयर किया है कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आज सम्माननीय प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को हमने एक लेटर भी दिया है इवनिंग में कि कल सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा दिन हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। चेन हंगर स्ट्राइक रहेगा, इसमें कोर्ट के अंदर ये हंगर स्ट्राइक होगा। जो मझगांव में यहाँ से ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसके विरोध में ये हंगर स्ट्राइक है। और एवरी डे अराउंड 4 o'clock हम प्रेस वार्ता भी करेंगे, प्रेस रिलीज भी देंगे कि क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे अधिवक्ताओं से खाली ओरल डिस्कशन हुआ था, आज तक हमारे पास में कोई लिखित में बताया नहीं गया है। उसके अलावा मझगांव के जहां तक बिल्डिंग के है कई सारी समस्याएं वहां है, वहां के अधिवक्ता बताते हैं कि वहां कैंटीन नहीं है, ये नहीं है, तो ट्रैफिक का इश्यू है। तो इन सारी समस्याओं को ना देखते हुए जो मंत्रालय में बैठे हुए सम्माननीय ऑफिसरगण है लॉ एंड जुडिशियरी के, उनको मुझे रिक्वेस्ट करना है, और सम्माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर, डोंट ट्रांसफर कोर्ट। हमें कोई भी कोर्ट एक्स्ट्रा बनाने के खिलाफ में हम नहीं है, हमारा यही कहना है कि यहाँ पे साउथ बॉम्बे में सीटीओ की बिल्डिंग हो, एमटीएनएल की बिल्डिंग हो, या कई सारे अदर बिल्डिंग्स के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, वहाँ आप अगर चाहते हो तो 8-10 कोर्ट वहाँ कर सकते हो। ओनली आपने वहाँ मझगांव में कई रूम्स खाली है यही कारण देके अगर ट्रांसफर करते हो तो ये गलत है। इस प्रेस के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप गिरगांव कोर्ट या अन्य किसी भी कोर्ट को वहां पे आप शिफ्ट कर सकते हो। और इसी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे ट्रिब्यूनल्स जो है रेंट पे है तो उनको भी वहां शिफ्ट कर सकते हो। इस प्रेस के माध्यम से मुझे ये कहना है, ये हंगर स्ट्राइक, ये चेन हंगर स्ट्राइक चलते रहेगा जब तक कि सरकार और सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रिंसिपल जज ऑफ द बॉम्बे सिटी सिविल सेशन कोर्ट हमारी जो मांग है कि मझगांव ट्रांसफर इमीडिएट जो भी आप शिफ्टिंग करने के प्रोसेस में हो रुकाया जाए, हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टॉप ऑल द प्रोसेस। हमें हंगर स्ट्राइक पे जाने से अगर आप कोई रोकना चाहता है तो आप ये प्रोसेस स्टॉप कीजिए और हमें लिखित में इस बारे में कुछ पत्र दीजिए। थैंक यू। मैं राहुल त्रिपाठी, सदस्य बॉम्बे सिटी सिविल सेशन कोर्ट मुंबई फोर्ट ब्रांच। हमारा ये कहना है कि ये जो कोर्ट शिफ्टिंग का कारोबार चल रहा है माननीय न्यायाधीशों द्वारा हमारे ऊपर कि कोर्ट शिफ्ट की जाएगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा वकीलों का विरोध है। उस विरोध के वजह से हम लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं।
और विरोध करने का तात्पर्य इतना ही है कि आने जाने की समस्या है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अधिवक्ता सुबह से शाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, और ये कोर्ट 1947 के बाद से ही लगातार कंटिन्यूस काम कर रहा है। लेडी गेंस को आने जाने के लिए भी दिक्कत होगी, तमाम तरीके की दिक्कतों को देखते हुए ये इसको तत्काल प्रभाव से तुरंत रोकना चाहिए कि इसको न ट्रांसफर किए। मेरा नाम एडवोकेट अजय लाड है, मैं यहाँ का कमेटी मेंबर हूँ। ये जो बाइफरकेशन माजगांव का जो विषय है वो पहले से सिटी सिविल सेशंस कोर्ट को, इसमें हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है ट्रांसफर करने का, उसमें स्टार्टिंग से कंसोलिडेटेड में रखा नहीं है। दूसरी बात, ये जो माजगांव की जो बिल्डिंग है वो लिटिगेंट्स को और वकीलों को दोनों को ट्रैवलिंग के लिए इनकन्वीनियंट है, वहाँ पे पार्किंग के इशू है, वहाँ पे कैंटीन का इशू है, और यहाँ पे जो सिटी सिविल कोर्ट प्रमाइसिस अभी जहाँ पे एस्टैब्लिश है वहाँ पे आजू बाजू में 3-4 ट्राइब्यूनल्स है, तो एक बारी वकील को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रैवल करना है किसी लिटिगेंट के लिए अपीयर करके मैटर के लिए, तो यहाँ पे कन्वीनियंट ज़्यादा है, और वही इनकन्वीनियंस माजगांव में है। और इसीलिए आज जो जनवरी में यहाँ से कुछ कोर्ट्स ट्रांसफर होने वाले हैं उसके लिए हमारा सख्त विरोध है, और इसी के लिए हम कल स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, हंगर स्ट्राइक। कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है कि एक दिन में दो दो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकते, और माजगांव कोर्ट में सब असुविधा है, कैंटीन नहीं है और लिफ्ट के प्रॉब्लम है, कार पार्किंग नहीं है, और बॉम्बे स्टेशन से माजगांव को ट्रैवलिंग करना, दिन में दो मैटर अटेंड करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो एडवोकेट लोग और लिटिगेंट दोनों के लिए असुविधा है, इसीलिए हम सब, हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हम कमिटी मेंबर विरोध कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कल उपोषण कर रहे हैं। देखो क्या है कि सिविल कोर्ट जो इधर है, जो हमारे जो मतलब प्रतिवादी है या तो फरियादी है, तो उनको एक तरह का मतलब सुविधा है ये, और अगर यहाँ से चले गया तो वकील लोग को और फरियादी लोग को सबको मतलब ये है परेशानी होगा, आने आने का परेशानी, और उधर एक तो मतलब मजगांव कोर्ट का जो रास्ता है, जो छोटा रास्ता है, तो हमें परेशानी होगा कि उधर जाएगा तो, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, और एक बात, सबसे बड़ी बात, हमारा ऑफिस इधर है, ऑफिस इधर है, तो हमें और भी सुविधाजनक होती है मतलब क्लाइंट से मिलना, क्लाइंट को मतलब लेके आना और कोर्ट में आना भी, इसके लिए हम इसके लिए मतलब प्रदर्शन करेंगे, और हमारा सख्त विरुद्ध है इसके लिए। MFA Films International, Production House, Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types of advertisement worldwide. More information, email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad, Today India News. Advertisement for this channel, book your ad. Call now 8452-880084.